राजमरी से अगली साइड पे आगे निकल रहे हैं कश्मीर वाली साइड पे, और देखते हैं कैसा है हमारा कश्मीर, और कोशिश करेंगे कि वहां तक जाएं जहां से ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है हमारा नजर आता है, ताकि हम उसे भी कवर कर सके। ड्रोन वैसे मैंने कर लिया, और ये जगह वैसे बड़ी खुली है, यहाँ पे ऐसे ड्रोन प्रैक्टिस की जा सकती है, लेकिन बहरहाल अभी चलते हैं, कोई जगह देख के जहाँ पे रुकना होगा, वो जब रुकने का टाइम आएगा तब कोई जगह देखेंगे ऐसी जहाँ पे ड्रोन की फुटेज भी आ जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए और साथ में रेस्ट भी हो जाए। अरे जिस तरह की माशाल्लाह रोड बन गई है ना, बाइक का जोर मतलब को खास नहीं लगता, चढ़ाई पे जोर लगता है, लेकिन जिस तरह पत्थरों पे जो हालत हो जाती है ना आपके शोल्डर की और बाइक की, वो कम से कम नहीं होगी, अब वो सुकून रहे। प्रॉपर पहाड़ी सिलसिला जारी, हमारे वन साइड और वन साइड पे आती है जी, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, यही कुछ सालों में बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो गई है इलाका में। इस्लाम मैं नॉर्मली जो है वो पकौला और ये वो रोड जाती है, देख लेते हैं लोटोपा कोहला मुजफ्फराबाद सारे सारे के सारे दाएं मिल गए, और ये भी हमें यही वैसे कह रहा है कि दाएं मुड़ गए। और छत्तर बारह वाले लेफ्ट हो जाए और हमने जा रहे हैं राइट। हाँ ये आगे की हाईवे, लेकिन वो पीछे वाली सड़क भी अब नहीं बनी है, लेकिन ये बहरहाल वेलकम टू IMD। अच्छा जी मोटरवे आ गई है, मोटरवे गलाती जी मरी की साइड, और यहाँ पे बाइक की इजाजत है, बड़ी साफ सुथरी बड़ी अच्छी रोड, ये तो खैर पुरानी ही बनी हुई है, आने वाले दोस्त जो है हमारे व्यूअर्स उन्हें तो पता है ये बहुत पुरानी बनी हुई है और बड़ी अच्छी और साफ सुथरी सारी रोड बनी हुई है। ये वादी से आगे निकल के कहीं रुकते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं, भाया, और फिर उसके बाद फिर देखेंगे कोई ड्रोन की फुटेज बन सके, उससे उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए साथ में, ठीक है। मैंने तो किसी से सीखा नहीं है, ट्यूटोरियल देखे हैं बस एक दो यूट्यूब पे, अल्लाह की आखिरी बस चला देंगे, देखी जाएगी चला देंगे, उतरेगा नहीं उतरेगा ये आपको ही पता है। अंगूरी रोड राइट से मुजफ्फराबाद सीधा और मरी भी सीधा, यहाँ पे कोई अंगूरी रोड भी आता है, वहाँ पे जाना तो राइट घूमने
Murray, how you doing? MashaAllah. तो चुड़ती है इस इलाके की एक अपनी, और ये रोड बनने से इसकी खूबसूरती में समय चार चांद लग गए हैं। इजी हो गया है लोगों का सफर करना, मोटरसाइकिलों पे हो या गाड़ी पे हो, सफर करना इस ऐसे इजी हो गया। दीवान को कुहाला 74 और मैं टीचर पढ़ नहीं सका, तो यकीन मुजफ्फराबाद का ही लिखा हुआ। चले आगे बोलते थे, हरे भरे बिल्डिंग से यहाँ पे बहुत ज्यादा बन रही है, पहले इतनी नहीं थी लेकिन होटल भी बन रही है। पहले इतनी बिल्डिंग नहीं थी यहाँ पे, जब लास्ट टाइम मैं आया हूँ काफी देर हो गई है, लेकिन अब बहुत स्पीड से यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। मतलब पहले पहाड़ों का ही नजर आते थे या फिर ग्रास ग्रीनरी दिखती थी टाइम आए, अब आबादी नजर आ रही है और काफी स्पीड से बिल्डिंग बनी है। लेकिन ऑटो पर 38 मरी 45 और मुजफ्फराबाद 107। ड्रोन चलाया जी, और ड्रोन का जो है वो अभी दोनों चलाया है, एक छोटी सी वीडियो भी है ये देखिए आप, फिर आपको
बताते हैं इसके बारे में। ये ड्रोन जनाब S99 है, S99 Max बेसिक ड्रोन है और वीडियो क्वालिटी बहुत हाई नहीं है, बस ठीक है, गुजारा बस हो जाता है, गुजारा करने वाली बात है। तो फिलहाल क्योंकि बिगनर्स हैं इस काम में, ऑब्वियसली वो हमने महंगा तो नहीं लेना, महंगा टूट गया तो फिर बाद में परेशानी कि यार नुकसान हो गया, तो बेहतर है कि नॉर्मल सा लिया जाए। तो नॉर्मल सा लिया है, ये भी मुझे लगता है कि कंट्रोल जो है ना इसका, वो उसके साथ अटैचमेंट इसकी जो है वो बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना वो टूटती है, अटैचमेंट जो है ख़राब हो जाती है। तो बहरहाल तो गुजारे वाला है, आप ये कहें कि अच्छा ड्रोन तो अच्छा वाला नहीं है ये, वह गुजारा वगैरह करता है, महंगा ना होने की वजह से बस ये है कि ठीक है, बंदा ये है कि इस्तेमाल कर सकते हैं आप स्टार्टिंग में, आप हाथ सीधा करने के लिए इस तरह का ड्रोन मैं तो कहूँगा लें जो सस्ता हो वो बेहतर यही है, ताकि खुदा ना करे अगर नुकसान हो जाए तो कोई तकलीफ ना हो कि यार महंगा था और मुझे चलाना नहीं आता तो टूट गया, तो बेहतर है क्या है। ओके, बहरहाल ठीक है, गुजारे लायक है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला इससे बेहतर ड्रोन, अच्छा ड्रोन भी ले लेंगे, लेकिन पहले ज़रा हाथ इस पर अल्लाह करे सीधा हो जाए, कोई नुकसान ना हो, हाथ सीधा हो जाए इस पर, तो फिर इंशाल्लाह ताला ड्रोन चेंज करेंगे, फिर फुटेज ज़्यादा बेहतर होगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मोटरवे पे जो इन्होंने ये मोटरवे बनाई है, मोटरवे कह लें इसे, कश्मीर हाईवे कह लें, ये यहाँ पे जगह जगह आपको जनाब ढाबे मिल जाते हैं, रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, शॉप्स मिल जाती हैं, आपको कोई भी चीज़ चाहिए खाने पीने से रिलेटेड तो आप यहाँ, आपको अवेलेबल है इस रोड पर, और खूबसूरती अल्लाह की तरफ से फ्री में, पहाड़ों की खूबसूरती बहुत घर बना देगा यहाँ पे, पहाड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा घर बने। एक्सप्रेस वे के अतराफ किसी किस्म की तामीरात करना कानूनन जुर्म है, तो भाई ये होटल तो एक्सप्रेस वे के ऊपर ही बने हुए, साइडों पर अतराफ ही। बस्ताल रोड, बस्ताल मोड़ आ गई, यहाँ का नाम है जी बस्ताल मोड़। बस्ताल मोड़ से गुजर रहे हैं और लेडीज फिर रही हैं बकरियां, यहाँ पे जानवर ऐसे खुले ही फिरते हैं, गाय भैंसे हो गई, बकरियां हो गई, यहाँ पे खुले ही फिरते हैं, बाहर से चर चुकी आ जाते हैं और मुझे लगता है मालिक को चारा डालने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे यार खुला चारा मिल जाता उन्हें। लोअर टोपा, ये लोअर टोपा पहुंच चुके हैं, पहुंच रहे हैं, बस 33 किलोमीटर रह गया लोअर टोपा। एक्सप्रेस वे जो है बड़ी अच्छी सड़क बन गई है, लेकिन यहाँ पे जो सीनरी जिस तरह वो छोटी सड़क पे अगर, मतलब जो पुरानी सड़क है मरी वाली अगर उसकी बात करें तो उस पर कुदरत की खूबसूरती, कुदरत की जो खूबसूरती है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलती है, ये एक तरह का मतलब साइडें छुप जाती हैं, रोड बड़ी अच्छी है लेकिन साइडें जो है वो छुप जाती हैं, वो आपको नज़ारे देखने को नहीं मिलते,
वो कहीं कहीं आपको मिलते हैं, लेकिन अगर आप वो पुरानी रोड की बात करें तो पुरानी रोड पे लगातार आपको देखने को नज़ारे मिलते हैं। वन साइड, एक साइड पे नज़ारे होते हैं, गहराई होती है, वहाँ से आपको साफ क्लियर नज़र आ रहा होता है सारा, और दूसरी साइड पे पहाड़ है। तो इसकी जो है वो एक साइड पे पहाड़ और दूसरी तरफ दरख्त आ जाते हैं, तो वो जो सीनरीज हैं वो आपको नहीं दिखाई देती। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये इस तरफ जनाब पहाड़ आ जाता है और बड़े बड़े दरख्त हैं पहाड़ों के ऊपर, ये राइट साइड पे जो है वो दरख्त आ जाते हैं आपको इधर से भी, मतलब कुछ सीन देखने को नहीं मिलता। अभी तक हमें बर्फबारी जैसा माहौल तो कहीं नजर आया, मरी के करीब पहुंच रहे हैं तो अभी तक बर्फबारी जैसा माहौल हमें कहीं नहीं दिखा। सुना था कभी बर्फबारी हुई है लेकिन इस साइड पे अभी तक नहीं सुना, आगे काफी आगे जाके सुना है कश्मीर वाली साइड पे, वहाँ पर सुना है कि स्नो फॉलिंग हुई है, और इसके अलावा कैलाश में भी सुना है कि स्नो फॉलिंग हुई है, और जो है वो शल्दूर भी स्नो फॉलिंग हो चुकी है दो दफा, लेकिन अभी तक यहाँ पे जहाँ से हम अभी गुजर रहे हैं यहाँ तक तो हमें दूर दूर तक कोई नामो निशान स्नो फॉल का नहीं नज़र आया, स्नो फॉलिंग का कहीं भी बर्फबारी नज़र नहीं आ रही। बहरहाल आगे जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या माहौल है। यहाँ पे तो मौसम भी नॉर्मल ही है, ठंडक है लेकिन बहुत इतनी नहीं है कि आप उसकी बर्दाश्त में ना हो। तो कुछ बनाया जा रहे हैं, लगता है यहाँ पे कोई ज़्यादा खतरनाक जगह है, तो मेरा ख्याल शायद उसकी रोकथाम के लिए कुछ बना रहे हैं। लैंडस्लाइडिंग एरिया, इंतहाई एहतियात से चलें, अल्लाह खैर करे यार, अल्लाह दुआ करते हैं सोमान में रखिए सबको काफी बड़ा पत्थर जो है वो पहाड़ के ऊपर खड़ा था। सबसे खतरनाक रूट जो मैंने देखी है वो मैंने देखी है गिलगित से बाबूसर टॉप, बल्कि गिलगित तक भी आप कह सकते हैं कि गिजरगढ़ से जो है वो जब हम गिलगित की तरफ जाते हैं या तो या फिर वो क्या कहते हैं उधर बाबूसर टॉप की तरफ, तो काफी खतरनाक लैंडस्लाइडिंग आती है वहां पे। मैंने देखा कि 70% पत्थर जो है वो पहाड़ से बाहर आ चुके हैं, 30% 20% पे वो खड़े हैं। वो वहाँ पे जो खतरनाक मैंने लैंड स्लाइडिंग एरिया देखा है, मैंने अभी तक के इलाके जहाँ जो हम फिरे हैं वहाँ अभी तक मैंने वो वाहिद रूट देखा है जहाँ पे इंतहाई खतरनाक लैंड स्लाइडिंग की है। यानी कैसे मुंह निकाल के बाहर खड़े हैं पत्थर, ऐसे लगता है कि अभी गिर जाएगा, तो उसके नीचे से गिरने से भी हकीकत में डर लगता है कि यार एक चीज़ नजर आ रही कि बिल्कुल अल्लाह माफ करे गिरने वाली है, तो उसके आगे से गुजरते हुए डर लगता है यार एकदम गिरी ना जाए। वो इंतहाई खतरनाक इलाका था लैंड स्लाइडिंग के साथ। सोफो पार्क लेफ्ट, मरी सीधा, मुजफ्फराबाद सीधा, अंगूरी रोड सीधा, अभी मरी आ गए हैं, मरी की रोड तो गुजर चुकी है, शायद आगे से भी मरी को रास्ता जाता होगा। यकीनन